हेलो दोस्तों, स्पार्कवेयर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फैज आलम और आज आपको बताऊंगा कि जो सैमसंग का इस मॉडल का सेट होता है SM G3 एक फोकस हो जा हाँ ये SM G 530H अब्लिक DS। तो इसमें इस टाइप का जो प्रॉब्लम आ जाता है, कैमरा जब खोलोगे तो ऐसा ऑप्शन दिखाएगा, वार्निंग कैमरा फेल्ड, और ओके जैसे ही करोगे वो बंद हो जाएगा, कैमरा ऑफ हो जाएगा और कोई काम नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर पे टैप कीजिए। एप्लीकेशन मैनेजर पे टैप करने के बाद यहाँ पे ऑल एप्स पे जाइए और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैमरा ऑप्शन पे टैप कीजिए। ये रहा डिफ़ॉल्ट, तो इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे ये यह ऑप्शन आएगा, इसको आप कैचे और डेटा क्लियर कर दीजिए, क्लियर डेटा एंड कैचे, क्लियर कैचे, उसके बाद फॉसली स्टॉप कर दीजिए। और स्टॉप करने के बाद इसे रीस्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद ही आपको कैमरा ओपन करना है। और देखिए, अगर कैमरा ओपन हो गया तो ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि आपका काम बन गया। तो ये आपका काम चल रहा है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो उसका दूसरा प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करना है कि एक दूसरा प्रॉब्लम होता है उसके मेमोरी कार्ड से, या तो आप मेमोरी कार्ड निकाल के उसे सेम स्टेप फॉलो कर लीजिए जो मैंने अभी बताया है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको हार्ड रीसेट मारना पड़ेगा, और हार्ड रीसेट कैसे मारना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सैमसंग का ज़रूरी नहीं है कि इसी मॉडल पे काम करे, और भी सैमसंग के अलग अलग मॉडल है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आने से आप ऐसा ही कीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।